नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी, लखनऊ में सीएम योगी ने सबसे पहले डाला वोट। द्रौपदी मुर्मू को विपक्षी दलों के कई नेताओं से भी मिला समर्थन, 21 जुलाई को होगी मतगणना। सावन के पहले सोमवार के दिन बम बम भोले के नारों से गूंजे मंदिर। काशी विश्वनाथ सहित शिवालयों में भक्त कर रहे विशेष पूजा अर्चना, शिवलिंग का किया जा रहा जलाभिषेक। अमरोहा के डिडोली में रफ्तार का कहर, रोडवेज बस की चपेट में आने से दो बाइक सवार कांवड़ियों की मौत। आक्रोशित कांवड़ियों ने बसों में की तोड़फोड़, एसपी ने समझाइश कर मामले को कराया शांत। सीएनजी की कीमतों में 8वीं बार हुई वृद्धि। प्रयागराज में डीजल की कीमत 90 रुपए और सीएनजी 87.50 रुपए में बिक रही। 7 माह में सीएनजी की कीमत में करीब 12 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी। बुलंदशहर के खुर्जा मुरारी नगर में जल भराव को लेकर स्कूली बच्चों का फूटा गुस्सा। विद्यार्थियों ने मुंडाखेड़ा सड़क मार्ग को किया जाम, पुलिस ने बच्चों और अभिभावकों से की समझाइश। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। नया राष्ट्रपति चुनने के लिए राज्यों की विधानसभा और संसद भवन में मतदान हो रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने भी वोट डाला। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी विधायक और सांसद जिन्हें निर्वाचन आयोग ने लखनऊ में वोट देने के लिए अधिकृत किया है, वे भी वोटिंग के लिए एक एक कर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष का चेहरा है। वहीं 21 जुलाई को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल डिडोली कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार कांवड़ियों को कुचल दिया, जिसके बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित कांवड़ियों ने करीब 2 घंटे तक हाईवे को जमकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए कांवड़ियों ने हाईवे पर बसों में तोड़फोड़ कर डाली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभाला, तो वहीं डीएम और एसपी ने कांवड़ियों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया। खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा मुरारी नगर में आक्रोशित अभिभावकों के साथ स्कूली छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। स्कूली विद्यार्थियों ने मुंडाखेड़ा सड़क मार्ग जाम कर प्रशासन का विरोध जताया। दरअसल क्षेत्र में टूटी फूटी सड़क होने के चलते बारिश का पानी भर जाता है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। साथ ही बिजली पानी की भी कॉलोनी में समस्या बनी हुई है, जिससे नाराज होकर कॉलोनी वासियों ने अपने बच्चों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों और अभिभावकों को समझाइश कर मामले को शांत करवाया। कांवड़ जो सिख परिवार है, ये हर बार हम चेंज कर देते हैं। जैसे हम पहले गौरी का लाए थे और अब ये सिख परिवार है, तो हमेशा चेंज करते रहते हैं। अब जैसे ये सिख परिवार है तो हम राम जी के रूप में जैसे सिख धनु चलाते हुए है, तो ये महादेव पर जो रूप है वो राम जी का। बड़े नाथ अपा बहुत देश प्रेम करते हैं और अपा
शुरू से ही देश का भी प्यार है और भोलेनाथ से भी बहुत प्यार है, इसलिए अपने ये बहुत कावड़ की थीम रखी है और कावड़ हमें बहुत अच्छी लगी, हमने खुद बनवाई है कावड़। कितने लोग हैं, कहां से आए, कितने दिन में पहुंचे? चंडीगढ़ से बोले हम आए हैं, 7 जने हैं और 8 दिन और को लगेंगे जाने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर 2 गुटों में विवाद का मामला सामने आया है, जहां आपसी कहासुनी को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। आनंद फानन में घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में होने के चलते प्राथमिक उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि घटना तिकुनिया कोतवाली क्षेत्र के रणनगर की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खेत में खाद भरे वाहन को निकालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। सीएनजी की कीमतों में 8वीं बार वृद्धि हुई है। अब डीजल और गैस की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा है। प्रयागराज में डीजल जहां 90 रुपए में, तो वहीं सीएनजी 87.50 रुपए में बिक रही है। 7 माह पहले यानी 1 जनवरी को सीएनजी यहां 75.10 रुपए प्रति किलो थी। 7 माह में सीएनजी की कीमत में करीब 12 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में अब लोग सीएनजी वाहनों से भी दूरी बनाकर पेट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की कीमत भी कुछ दिन पहले 100 रुपए के पार पहुंच गई थी, लेकिन अभी पेट्रोल 96.65 रुपए प्रति लीटर है। पहले सीएनजी और पेट्रोल डीजल के दामों में काफी अंतर होने की वजह से लोग सीएनजी वाहन लेने में दिलचस्पी दिखा रहे थे। बुलेटिन में अब बात करेंगे सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में गूंजे बाबा भोले के जयकारों की। खबर यूपी के वाराणसी से है, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार के दिन भक्त शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा आराधना करने में जुटे। शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतुरा, भांग, कपूर, दूध, चावल, चंदन और भस्म जैसी चीजें अर्पित कर रहे हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव जैसे जयकारों से शिवालय गुंजायमान है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, भक्त शिव की आराधना कर रहे हैं, शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भोले शंकर को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। सावन माह भोले शंकर को अति प्रिय होता है। हापुड़ में सावन महीने के पहले सोमवार के दिन शिवालयों में दर्शन पूजन को लेकर भीड़ देखी गई और सबली महादेव श्यामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। शिव भक्तों ने कांवड़ के जरिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। सीतापुर से आए हैं, इस सावन सोमवार को पहली बार आए हैं। सुना यहाँ के बड़ा पर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मंदिर जो है हमेशा यहाँ भीड़ रहता है रेगुलर ही, पर सोमवार में यहाँ कुछ ज्यादा भीड़ होता है। हम लोग रामनगर से आए हैं और ये पटना से आए हैं और हम लोग ने पूजा कर लिया और बड़े अच्छे शिव जी के दर्शन हुए। भोलेनाथ का महिमा अपरंपार है, बहुत प्राचीन काल से सावन के महीने की माता सबसे पार्वती जी ने ही शिव जी की आराधना की थी, इसी हिसाब से आज तक ये आराधना चली आई सावन के माता। इसे सावन का बहुत ज़्यादा महत्व है, शिव जी के पूजन के पढ़ने से सद्या तुरंत मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भोलेनाथ पृथ्वी पर यही एक ऐसे देवता है,
अनिर्यता का अलग अलग है। ये पृथ्वी पर भोलेनाथ जो है अपनों की भक्तों की कामना पूरी करने की सुनने के लिए पृथ्वी पर विराजमान है। श्रावण मास के पहले सोमवार को लेकर शिव भक्तों का मंदिरों में भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में शामली के प्राचीन कालीन सिद्धपीठ भागुवाला मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। मंदिर में पहुंचे शिव भक्तों ने बताया कि श्रावण के प्रत्येक सोमवार और शिवरात्रि के दिन मंदिर में भारी भीड़ रहती है। भक्त जलाभिषेक कर धर्म लाभ उठाते हैं। अभी से कोरोना काल में 2 साल से जो कोरोना चल रहा था उसकी वजह से अभिषेक जल चढ़ाना सब बंद था। अभी वो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि 2 साल से कोरोना तो खत्म हो गया, अब ये 3rd साल शुरू हुआ और कावड़ भी 2 साल से बंद थी, जो अब भोले की कृपा से अब शुरू हुई है। भीड़ ज़्यादा है, पूरे सावन इतनी भीड़ रहेगी कि यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा, पैर चढ़ाने लंबी लाइन लगती है सोमवार और शिवरात्रि में। देखिए, यह प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर है, मराठाकालीन मंदिर है, सावन मास का पहला सोमवार है, हैं सुख शांति के लिए सभी अपना भक्तजन जल अभिषेक कर रहे हैं, सब सुखी संपन्न है। और दूसरी बात है कि निरोग हैं, इसलिए भगवान को आज सोमवार को जलाभिषेक सब खुशी के साथ। लखनऊ से 35 किलोमीटर की दूरी पर सई नदी के किनारे शिव मंदिर की स्थापना भीम ने की थी। भीम ने यहां पर अज्ञातवास के समय माता कुंती और पांडवों के साथ पूजा की और उसी समय से यहां पर शिव मंदिर स्थापित है। उसके बाद औरंगजेब ने अपने शासनकाल में शिवलिंग को 80 फीट से अधिक खुदाई करते हुए हाथियों से खिंचवाया, लेकिन शिवजी का शिवलिंग हिला ही नहीं और क्रोध में आकर औरंगजेब ने शिवलिंग पर हथौड़े से जोरदार प्रहार किए और उससे नाराज होकर असंख्य भंवरे निकलने लगे। उसके बाद से ही इस स्थान को भावरेश्वर धाम के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन आज भी इस भावरेश्वर धाम में सावन मास में मेले का आयोजन होता है और लोग शिव दर्शन के लिए दूर दराज से आते हैं। वहीं सावन के पहले सोमवार को राजधानी लखनऊ से A1 TV की टीम धाम पर पहुंची और मंदिर की विशेषताओं और लोगों के प्रति आस्था को जाना। के मध्य में बसा है। इस मंदिर का नाम भवरेश्वर महादेव नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, मंदिर अज्ञातवास के समय पांडवों द्वारा इस शिवलिंग की भारी भीड़ जमा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ जमा है और यहाँ हर एक मेला भी लगता है। आपको बता दें, सावन के सोमवार में पिछले 2 साल पूर्व की अगर हम बात करें तो कोरोना काल के चलते यहाँ पर मौजूदा प्रशासन ने मेन गेट पे ताला लगा दिया था, जिसके कारण यहाँ के श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत जरूर हुई थी। लेकिन वहीं कोरोना काल को देखते ये कहीं ना कहीं एक अहम कदम था। आपको बता दें, इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ भीड़ है और हर सोमवार को यहाँ पर मेला लगता है। ये भवरेश्वर महादेव का मंदिर है और ये भोलेनाथ जो है कहीं ना कहीं अपने आस्था का केंद्र भक्तों के बीच बना रखे। लखनऊ से A1 TV के लिए हरदीप। खबर लखनऊ से है, जहां निगोहा कस्बे के उदयपुर में ITBP के सिपाही प्रशांत शुक्ला पर हिस्ट्री शीटर रमेश पासी ने साथियों के साथ हमला कर दिया। वहीं विरोध करने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, तमंचे से निकले छर्रे तो वहीं गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची। इस बीच हमलावर धमकी देकर फरार हो गए तो वहीं घायल अवस्था में जवान को निगोहा थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस सीमा विवाद को बताते हुए बैरंग वापस लौट गई। इतना ही नहीं, पुलिस की जीप के ठीक पास 2 जिंदा कारतूस पड़े रहे, जिनको पुलिस लगातार नजरअंदाज करके चलती बनी। जानकारी के अनुसार जवान पिता की 13वीं के लिए आया हुआ था।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।